वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी विंग्स ऑफ एनसीसी कैडेट में। फ्रेंड्स, तो आप लोग देख सकते हैं भाई, एनसीसी की ए का भर्ती आने वाला है। सो आप लोग देख सकते हैं भाई, मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं भाई, ये जैसे मान लीजिए आप लोगों 101% एनसीसी के एग्ज़ाम में आपको ए सर्टिफिकेट बना रहा है या बी सर्टिफिकेट बना रहा है या कोई भी सर्टिफिकेट बना रहा है, आपको ये पूछने को मिल सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं भाई, पहला क्वेश्चन है भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो भाई आपको सभी को पता होना चाहिए भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। तो आप लोग देख सकते हैं धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को आप लोग देख सकते हैं भारत के शिक्षा मंत्री, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यार जब तुम्हें तो आर्मी का ये थल मैन जो होता है लीडर उसको पता नहीं होगा तो आप लोग क्या करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाले, ठीक है, जनरल मनोज मुकुंद नरवाले, ठीक है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो आपको सभी को पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को हैं। सो आप लोग देख सकते हैं भाई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। कौन है भाई? योगी आदित्यनाथ, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है एड्स दिवस। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आप लोग देख सकते हैं भाई, 1 दिसंबर को एड्स दिवस हमारा मनाया जाता है, ठीक है। एनसीसी के महानिदेशक, आप लोग ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। सो आप लोग भाई, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं भाई, एनसीसी के महानिदेशक कौन है, ठीक है। तो एनसीसी के महानिदेशक आपको कौन है? जनरल तरुण कुमार आइच, ठीक है, तरुण कुमार आइच यहाँ के एनसीसी के महानिदेशक हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को आपको नाम पता होना चाहिए कौन है, श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। और इसके बाद हमारे श्री वेंकैया नायडू हैं, ठीक है, ये वेंकैया नायडू हैं। इसके बाद हमारा सेवंथवा क्वेश्चन है, एनसीसी के दिवस कब मनाया जाता है? सो आप लोग भाई, नवंबर के माह के चौथे रविवार को, ठीक है, नवंबर के महीना में चौथा रविवार होगा तो आपको ये एनसीसी डे मनाया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद आप भारत में एनसीसी के निर्देशालय हैं कितने, आपको एनसीसी के डायरेक्टर कितने हैं भारत में, इंडिया में डायरेक्टर कितने हैं? तो है, आप लोग देख सकते हैं भाई, कितने डायरेक्टर हैं? 17, ठीक है, 17 डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो ये तो आपको मेन चीज़ होना चाहिए, कितना कब हुई थी? तो 16 जुलाई 1948 को एनसीसी की स्थापना हुई थी। एनसीसी का मोटो क्या है, यानी कि दह सूत्र मोटो इसको बोल सकते हैं, तो एकता अनुशासन, हमें क्या करना चाहिए, एकता और अनुशासन में रहना चाहिए, ठीक है। इसके बाद भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो सभी को पता है कि राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो आप लोग देख सकते हैं एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे गया? तरुण कुमार को, ठीक है, मैंने भी अभी क्वेश्चन बताया। तो और यहाँ पे बायोलॉजी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डी होती है? तो आपको पता है कितनी हड्डी होती है? 206 हड्डी होती है, ठीक है। इसके बाद स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार पता है? तो 75 बार, ठीक है, 75 बार धड़कती है, ठीक है। मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया, सभी को पता है मलेरिया रोग होता है मच्छर के काटने से। इसके बाद होता है एनसीसी के गीत के रचयिता कौन है? भाई तो इसका मैं क्वेश्चन मैं आपको कमेंट में देना है, अगर आप लोग उनको पता है तो आप लोग दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 16वां क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो स्वस्थ मनुष्य के प्रतिदिन घंटे नींद आती है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य को कितना नींद लेना चाहिए? 6 से 8 घंटे नींद लेना चाहिए सभी को। मच्छरों द्वारा रोग फैलता है, तो कौन सा फैलता है? मलेरिया और डेंगू, जो अभी मैंने क्वेश्चन बताया उसमें मलेरिया था, इसमें प्लस डेंगू भी, ठीक है, डेंगू भी मच्छर काटने से फैलता है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? सो आप लोग भाई देख सकते हैं, खून का थक्का न जमना, ठीक है, खून का थक्का इसमें नहीं जमता। मनुष्य को जीवित रहने के लिए कैलोरी का भोजन करना चाहिए। भाई कितने कैलोरी का भोजन करना चाहिए? 1700 से 1800 कैलोरी का भोजन करना चाहिए। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। एनसीसी के झंडे में कितने रंग होते हैं? सो आपको पता है कि एनसीसी के फ्लैग में कितने रंग होते हैं? थ्री रंग होते हैं, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं भाई स्क्रीन पर, ये एनसीसी फ्लैग है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर ये फुल फॉर्म है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है। सो आप लोग देख सकते हैं भाई एनसीसी क्या है, ठीक है। एनसीसी का फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर है, HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसेंसी वायरस, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है एड्स का क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसेंसी वायरस, ठीक है, GPS ग्लोबल पोजिशनम सिस्टम, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसी बात नहीं है जो आप लोग पढ़ लो और आप लोग इसको आपको लर्न भी करना है, ठीक है। AGL ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, ठीक है,
इसके बाद ANO जो हमारा ऑफिसर होता है जो हमें कराता है, तो उसका एसोसिएट NCC ऑफिसर, ठीक है। इसके बाद हमारा GST तो पता ही सबको, GST हर चीज़ में लगता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला आता है, आप NCC क्यों लेना चाहते हैं। भाई आपको पता है कि NCC आप क्यों लेना चाहते हैं, तो आप अपने मन से ही बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, NCC के प्रशिक्षण से हमें समाज सेवा और मिलजुल कर कार्य करने का मौका मिलता है, हमें अनुशासन से रहना सिखाता है और हमें सेना में भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलती है। NCC से हमें राष्ट्र सेवा करने का अवसर प्रदान होता है और समय के पाबंद रहते हुए कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आप लोग खुद बना के लिख सकते हैं, ये पॉइंट आप खुद बना के लिख सकते हैं, क्योंकि ये थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोग अपने सोच के हिसाब से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है, NCC के उद्देश्य। तो NCC के कितने उद्देश्य, मतलब हमें क्या क्यों लेना चाहिए, तो इसका उद्देश्य भी आप लोग देख सकते हैं, देश के युवाओं में अनुशासन और एकता और निस्वार्थ सेवा भाव का संचार, ठीक है। देश के युवाओं में अनुशासन और एकता, ऐसे मिलजुल कर कार्य करना, ऐसे सब ये संचार करना, ठीक है। एक मानव संसाधन तैयार करना और देश की सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना, ठीक है। इसके बाद है, सशस्त्र सेना में जीविका बनाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने के हेतु उचित वातावरण प्रदान करना, ठीक है। इसके बाद हमारा 20 क्वेश्चन है, सो आप लोग देख सकते हैं भाई, NCC के झंडे के 3 रंग किसको दर्शाते हैं। तो मैंने अभी NCC फ्लैग दिखाया था, सो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं NCC फ्लैग को। और ये देखो, पहला फ्लैग है जो आप लोग देख सकते हैं भाई, आर्मी को, ठीक है। पहला आर्मी को दिखाता है, सेकंड है नेवी को, और थर्ड है एयरफोर्स को। सो भाई ये पूरे 20 क्वेश्चन थे, सो आप लोग प्लीज़ भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक कर देना भाई, जो आपको वीडियो अच्छा लगे तो। और ऐसे ही अभी हम आपको और भी वीडियो बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। चुप रहा है पागलों का ज़्यादा।